देश और पूरे वर्ल्ड में कोविड जो फैला हुआ है, तो उसको लेकर के आयुष मंत्रालय की तरफ से और हमारे कॉलेज की तरफ से एक हर रोज़ एक प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें लोगों को ये बताया जाता है कि हम लोगों को कैसे कोविड से बचना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग एक दूसरे को बताएँ कि कैसे कोविड से हम लोग बचें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जानते हैं सब हैं कि हाँ, अच्छे से हाथ को धोना है और मास्क लगाना है, एक दूरी को मेंटेन रखना है, लेकिन जनरली ऐसा हो नहीं पाता और हम लोग जान करके भी अनजाने में कहीं भी चले जाते हैं और मास्क प्रॉपर नहीं लगाते, साथ में लेके नहीं जाते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा ज़रूरी ये है कि हम लोग वैक्सीनेशन, सब लोग वैक्सीनेशन लगाएँ और उसके अलावा लोगों को बताएँ कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और हम बचने का एक ही एक तरीका है कि हम लोग वैक्सीन एक दूसरे को लगाएँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को, जो तीन चीज़ें इसमें हैं कि अपने आप को हम इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप रखें, क्योंकि देखा गया है कि जिनका भी इम्यूनिटी अच्छा होता है वो इस चीज़ से बच पाएँ। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी डाइट लें, हम एक रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने माइंड को साइकोलॉजिकली अच्छा रहें। साइकोलॉजिकली अच्छा रहने से ये फ़ायदा होता है कि हम लोग अगर किसी कोविड नहीं भी हुआ है तो वो साइकोलॉजिकली अगर अच्छा है तो उसका इम्यूनिटी उसकी वजह से अच्छा होता है। और दूसरा है कि अगर होने के बाद भी अगर उनका साइकोलॉजिकली अच्छा अगर है तो वो उस चीज़ से बाहर निकल जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को मेंटेन रखें, उसको भूले नहीं, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से पहला वेव दूसरा वेव चला गया, लेकिन दूसरा वेव आने वाला है। इसलिए इस बात को दिमाग में रखें कि ये चीज़ें अभी खत्म नहीं हुई है, तीसरा वेव आने वाला है, इसको दिमाग में रख के जब तक ये चीज़ें पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग इस प्रोटोकॉल का अच्छे से पालन करें। ठीक है, थैंक यू।